This is your GK subject and today we will study about the history of India. History of India. Indian history is very rich. Although history of India begins with the evolution of Indus Valley civilization, here we will be focusing more on the important aspects of Indian history. This means that जो हमारी Indian history है, जो हमारी history है, ये बहुत ही rich है और बहुत वास्ट है. वास्ट मतलब बहुत बिग है. इसमें हमारे पास हम नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. और जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हमारी स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड से. जो टाइम पीरियड हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, वहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है. नाउ हियर वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इट मीन्स दैट नाउ अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट हाँ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे हिस्ट्री के उस पर हम लोग फोकस करेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री टुडे. नाउ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपीज एंड मेंशन द डेट. टुडेज डेट इज 16 जुलाई 2020. And put the quotation, be positive, patient and persistence. After that, put the heading, history of India. And write question number 1, which is, who is also known as the Iron Man of India? Answer, Sardar Vallabhai Patel. Matlab, India ka Iron Man hum log kisko kehte hai? He is, jo hai, wo hai Sardar Vallabhai Patel. Then question number 2, who founded the Indian National Army? Indian National Army किसने found की थी? मोहन सिंह. After that, question number 3, who was the second Prime Minister of India? Second Prime Minister of India का कौन था? लाल बहादुर शास्त्री. Question number 4, who is also known as the Father of India? Father of India हम लोग किसको कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम है? महात्मा गांधी का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मींस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन है? उसको इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? हिज नेम वाज भीमराव अंबेडकर. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, उसको कब लिया था? तो कब रिपब्लिक हुआ था और वी कैन से दैट इज 26 जनवरी 1950. देन क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ इंडिया? तो हमारी हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया है उसकी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी वुमेन में? वो थी इंदिरा गांधी और उनको हम लोग मदर ऑफ इंडिया भी कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 8, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज 8 क्वेश्चंस इन योर GK कॉपी. ओके, थैंक यू क्लास.